हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टैक्टिक्स। तो ये हमारे Realme GT Neo 3T सीरीज की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम Realme GT Neo 3T को Android 13 बीटा से वापस Android 12 Realme UI 3.0 पर कैसे रोल बैक कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपडेटर एप्लीकेशन के अंदर जाना है जहाँ से हम अपडेट्स डाउनलोड करते हैं। वहाँ पर थ्री डॉट मेन्यू पर क्लिक करके लोकल अपडेट पर आपको क्लिक करना है और इस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अराउंड 4.5 GB की ये फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको सिलेक्ट करके आपको क्लिक कर देना है इंस्टॉल पे। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी लोकल इंस्टॉल का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका डेवलपर ऑप्शंस इनेबल होगा। उसके बाद आप लोकल इंस्टॉल करके ये फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आपका डेटा आपको बैकअप कर लेना है। अगर आपको डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप उसका बैकअप क्रिएट कर लो, क्योंकि जब हमने 12 से 13 पर अपग्रेड किया था तब डेटा फॉर्मेट नहीं हुआ था, बट जब हम 13 से वापस एंड्रॉइड 12 पर जाएंगे डाउनग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते तो पहले फाइल एक्सट्रैक्ट होगी जिसमें 10 टू 15 मिनट का समय लग जाएगा। उसके बाद वेरीफाई होगा जिसमें 2 मिनट का समय लग जाएगा। ये होते ही आप इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी वेरीफिकेशन होकर आपका फोन दोबारा से रिबूट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। आपका डेटा फिर से वाइप होगा, Realme का लोगो आएगा, तो कुछ समय बाद फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट हो रहा है, डेटा पे एक बार बैकअप कर लेना जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सारा डेटा वाइप होने वाला है। डेटा वाइप होने के बाद दोबारा से आपका फोन जो है रिबूट हो जाएगा, Realme का लोगो आएगा, फिर बूट एनिमेशन आ जाएगा कुछ समय बाद, और इसको फिर से अराउंड आप 6 to 7 मिनट का समय दे दीजिए ताकि आपका फोन रिबूट हो जाए नॉर्मली। जल्दी से इसका सेटअप आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेलकम Realme UI गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो हम एंड्रॉइड 12 में एंटर कर चुके हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए हम दोबारा से जाएंगे सेटिंग के अंदर और देखेंगे कि क्या एंड्रॉइड वर्जन शो कर रहा है 12, यानी कि क्या हम सक्सेसफुली अपग्रेड कर चुके हैं। यानी इसको जल्दी से चेक करने का एक आसान तरीका भी है, सिंपली नोटिफिकेशन ड्रॉअर को नीचे ड्रॉप डाउन कर दो नोटिफिकेशन पैनल को, तो डिज़ाइन ही चेंज आपको दिख जाएगा, राइट। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर फिर भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 वाला नोटिफिकेशन पैनल आ चुका है। अबाउट डिवाइस में भी जाके देख लेते हैं कि क्या सच में एंड्रॉइड 12 है। ओके गाइस, Realme UI 3.0 और अपडेट अवेलेबल है। तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो है A07 वो शो कर रही है, जबकि आज ही A08 भी आई है, बट अभी सिर्फ A07 मेरे पास शो कर रही है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी गाइस हम सक्सेसफुली डाउनग्रेड कर चुके हैं एंड्रॉइड 13 टू एंड्रॉइड 12, डेटा वाइप नेसेसरी है तो हो गया है। चलो ठीक है गाइस, यही था इस वीडियो में इतना। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो के बाद एक नई वीडियो जो आएगी उसमें हम देखेंगे कि हम कैसे बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं, और इसमें हम पीसी का बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम फ़ोन से ही बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो बिल्कुल इंतज़ार करो वीडियो का, मज़ा आएगा। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप फ्लैशिंग।